इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झारखंड के धनबाद में जज की मौत पर बहुत बड़ी खबर है। धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। एडीजी आनंद लाटकर की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने यह पता लगाना है कि जज के इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एसआईटी की टीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। आपको बता दें कि जज की मां इस मामले में झारखंड सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के ऑफिस को नोटिस जारी कर पूछा है और सवाल यह है कि जज उत्तम आनंद क्या किसी साजिश का शिकार हुए, क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि ऑटो ने जानबूझकर मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को टक्कर मारी है। जज उत्तम आनंद कई हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई भी कर रहे थे। जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई वो ऑटो गिरिडीह से बरामद की गई है और पुलिस ने ऑटो ड्राइवर लखन सहित दो लोगों को अरेस्ट किया है। मामला हाई प्रोफाइल है, एक जज की जान गई है, इसलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में इस पूरे घटनाक्रम का और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ सीआईडी और फॉरेंसिक की टीम्स को इस एसआईटी की अनुसंधान में सहायता के लिए भी लगाया गया। अभी तक जो है दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दो व्यक्ति अरेस्ट किए गए और जो ऑटो इस पूरे घटनाक्रम में जिसका यूज हुआ था उस ऑटो को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा ये बेसिकली सोनारपट्टी धनबाद का रहने वाला है और दूसरा जो है वो राहुल वर्मा ये भी सोनारपट्टी थाना जोड़ा पोखर धनबाद का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब बेटे की इस तरह से हुई मौत पर परिवार टूट चुका है। अंतिम संस्कार से पहले जब कुछ रस्में अदा की जा रही थी उसी दौरान उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी खुद को संभाल नहीं सके। परिवार किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है कि यह हादसा है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटे की हत्या की गई है और इसमें सीबीआई की जांच हो। ये सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है, तो उस नजर को क्या दिखाना है? तो पहले हम लोग बोले कुछ चोरी का था, तो साफ दिख रहा है। अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। क्या मांग है? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। और इस मामले में जज का परिवार साफ साफ इसे हत्या करार दे रहा है, इंसाफ की मांग भी की जा रही है। लेकिन जिस ऑटो ड्राइवर पर आरोप लगा है उसने एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया है। करीब 3:30 बजे हम उठे थे, देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते हैं? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं। सारा करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे। सूचना थाना को दिए? थाना सूचना दी है। सारा तो न्यूज़पेपर और सारा मीडिया में आया हुआ है, तो उस नजर को क्या दिखाना है? तो पहले हम लोग बोले कुछ चोरी का था, तो साफ दिख रहा है। अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। क्या मांग है? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। षड्यंत्र की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि उत्तम आनंद धनबाद में हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर रहे थे। चर्चित रंजय सिंह हत्याकांड का केस उनके कोर्ट में था और कुछ दिन पहले उन्होंने दो अपराधियों की बेल खारिज कर दी थी। उन दोनों के तार रंजय सिंह हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। उत्तम आनंद ने महज 6 महीने पहले ही धनबाद में आकर जज का पदभार संभाला। जज की मौत के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड के अंदर हम कह सकते हैं कानून का शासन नहीं रहा और जिस तरह से आप देखो कि कल जो हत्या हुई
वो हत्या पूरी तरह एक सुनियोजित षड्यंत्र, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कलप्स हो चुका है, शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये हत्या हुई है उस पर तो हम तो यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार पूरी तरह जांच करे, अगर बड़े से बड़े कोई एजेंसी को लगाना है तो एजेंसी को लगा के जाँच करे, अन्यथा ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। जिस तरह एक जज के साथ हुआ, आपके हिसाब से ये क्या ये एक्सीडेंट है या हत्या की गई? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, लचर सरकार, कानून व्यवस्था में विफल सरकार, आज आम आदमी परेशान है कानून व्यवस्था को लेकर के। अब तो न्यायाधीश भी सुरक्षित नहीं, और न्यायाधीश जिस प्रकार से धनबाद की घटना घटी है, एक प्रबल घटना है, और सरकार मुख दर्शक मौन दर्शक बनकर के खड़ी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्य है, पूर्ण घटना है। हालांकि पुलिस ने दोनों को पकड़ा है, जो ऑटो था उसको भी जब्त किया है। ये खानापूर्ति है, खानापूर्ति तो हमें जाना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए, किन कारणों से और किस परिस्थिति में किस प्रकार से हत्या हुई है, इसकी पूर्णतः सीबीआई से जाँच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।